फाइनली गाइज, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर एक और हार्ड मेगा रैम को ऐड कर दिया गया है और आज की वीडियो में हम लोग इस हार्ड मेगा रैम को पार करके दिखाएंगे। लेकिन आप उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेगा रैम कितनी लॉन्ग है। ये अपने न्यू वाले हाउस से स्टार्ट होकर अपने ओल्ड वाले हाउस तक खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आप जो मेगा रैम देख रहे हैं इसको पार करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये वाली मेगा रैम सच में बहुत हार्ड है। तो ये मेगा रैम अपने घर के स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगी। आप अपने गेम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपके सामने भी ये मेगा रैम आ जाएगी और इस मेगा रैम को हम लोग पार करने वाले हैं एक बाइक से। यार, बाइक तो रिस्पॉन हो ही नहीं थी, कार हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, तो मैं एक बाइक को रिस्पॉन कर लेता हूँ। बाइक होने वाली है अपनी सुपर स्प्लेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस मेगा रैम को ब्लेंडर से पार करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर अगर नया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली मैं चढ़ चुका हूँ मेगा रैम के ऊपर और स्टार्टिंग में ही मेरे को एक पंखा टाइप का देखने को मिल गया है जो हमारी रास्ता रोक सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये पंखा काफी धीरे धीरे चल रहा है तो हम लोग इसके आर पार निकल चुके हैं और ये एक टनल टाइप की आ गई है। खैर कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। और ये कुछ चक्के से रखे हुए हैं, पहिए से थे। खैर कोई बात नहीं, रंग बिरंगे पहियों को पार करके हम लोग आगे आ चुके हैं और एक मेगा रैम इधर लगी हुई है, लेकिन इसके आगे रास्ता है नहीं और हमें शायद ऊपर की तरफ जाना है। और मैं इधर आ गया हूँ और इस साइड, यार इधर से कहाँ जाना है? यार मेरी बाइक फंस चुकी है, अबे मेरे को किधर जाना है? अरे शिट यार, स्टार्टिंग में हम लोग नीचे गिर चुके हैं। खैर कोई बात नहीं यार, नीचे तो गिर चुका है, फिर से हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा और वहां से हम लोग को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। खैर चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे और देखते हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूँ और बीच रास्ते में मैंने अपनी बाइक भी चेंज कर ली थी, तो इस बाइक से मैं इस मेगा रैम को पार करूँगा। तो फिर से मैं एक बार ऊपर आ गया हूँ और इस पंखे को हम लोग फिर से पार करेंगे। और जैसे ही ये पार हुआ, हाँ ये पार हो चुका है, तो अब वक्त है इन दोनों पहियों को भी पार करने की। इनको भी मैं कर देता हूँ जल्दी से पार। और ये पहिए मेरे आगे दिख रहे हैं और ये कलरफुल लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, धीरे से मैं इन पहियों के बीचों बीच से निकाल देता हूँ। तो ये भी निकल चुका है और इस बार मैं पुरानी गलती नहीं करूँगा, मेरे को तेज बाइक को नहीं ले जाना, एकदम स्लो स्लो ले जाना और मेरे को साइड से नीचे की साइड जाना है। हम लोग ऊपर की साइड आ गए थे बट हम लोग को जाना है नीचे की साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये साइड से मेरे को एक जगह दिख रही है, यहाँ से मेरे को बड़ा संभाल के निकालना पड़ेगा। और मैं नीचे की साइड आ गया हूँ लेकिन मेरे को आगे कुछ नहीं दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कैमरा एंगल को चेंज किया और अब हमें आगे का दिख रहा है। और यार ये सच में बहुत हार्ड है, यहाँ से अगर जैसी पहिया हमारा नीचे गया और हम प्रॉपर नीचे चले जाएंगे मेगा रैम के और हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। खैर हो गया ये हमारा पार, अब चलते हैं आगे। और आगे भी मेरे को बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, पहिए कह रहे हो, सॉरी दोस्तों, ये जो पंखे टाइप हैं ये घूम रहे हैं। लेकिन यार उससे पहले ये क्या है भाई, इतनी पतली रास्ता, यहाँ से तो सच में यार गिरना पक्का है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से भी पार हो चुके हैं तो अब हमें चलना है आगे। और आगे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, आगे भाई साहब इससे भी पतली रास्ता मेरे को दिखाई दे रही है। यार शिट यार, यहाँ से मैं गिर सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। और मैंने कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज कर लिया। ओ भाई साहब, गिरते गिरते बचा मैं अभी। यार यहाँ से कैसे निकलूँ यार, चढ़ने से पहले ही मैं गिरते गिरते बचाऊँ? कोई बात नहीं यार, मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ेगा। पहले कैमरा एंगल थोड़ा सा साइड में करूँ और पहले, ओ भाई साहब बच गया, फिर से बच गया। अबे यार एक मिनट, मेरे को बहुत स्लोली स्लोली यहाँ से ले जानी पड़ेगी। और अभी तो मैं पहुँच चुका हूँ, मेरे को बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ेगा। और जैसी पंखा पार हो मेरे को तेज चलानी पड़ेगी और इसको मेरे को पार करना, और मैं पार हो चुका हूँ। और अब बस मेरे को आगे की साइड, मुझे लग नहीं रहा यार मैं आगे की साइड में तो गोल गोल घूमने लगा हूँ। भाई मेरे को निकल जाने दो, तुम लोग क्या कर रहे हो ये, मैं गोल गोल घूमने लगा हूँ फ्रेंड्स। भाई मेरे को निकल जाने दो, भाई मेरी बाइक भी फंस गई है और मैं अपनी बाइक को स्पीड भी नहीं देख सकता, क्योंकि स्पीड में दूंगा तो मेरी बाइक नीचे नहीं गिर जाएगी और नीचे गिर गई तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से जाना पड़ेगा और मैं यहाँ फंस चुका हूँ। ओ भाई अभी अभी जस्ट गिरते गिरते बचा सच में। तो मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं अपनी बाइक को घुमा दूं और घुमाने के बाद उस जो आपको सामने दिख रही है उसके ऊपर हमें जाना है। और बाइक मेरी घूम तो चुकी है और मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी यार, ऐसे तो मैं बार बार घूमता ही रह जाऊंगा। और भाई साहब आराम से धीरे धीरे, हाँ तो हम यहाँ पे तो आ चुके हैं। और अभी हमारे सामने एक पतली सी रास्ता फिर से आ गई है और इस पतली सी रास्ता, ये तो पार हो चुकी हो सकती है यार, इतनी भी पतली नहीं है, कोई बात नहीं। और जैसी मैं आगे आया, भाई यार मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, मैं फिर से नीचे गिर गया।
द नेक्स्ट डे। और बहुत देर की मेहनत के बाद मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं लास्ट बार नीचे गिरा था, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं आ गया और आगे मेरे को जाना है, और आगे तो भाई साहब रास्ता मेरे को दिख ही नहीं रहा है, इतना कम रास्ता भाई। क्या तुम क्या चाहते हो, नीचे गिर जाऊँ वैसे ही गिर जाऊँ, बता दो वैसे ही गिर जाऊंगा मैं, हद है यार। कोई बात नहीं, चलो और लो पहले से भी कम रास्ता है अब तो, और ये पंखे और पीछे से ना टकरा जाए तो बाइक मेरी वैसे ही गिर जाएगी। भाई ये जिसने मेगा रैम बनाया वो चाहता है हम लोग गिरे एक दो बार, एक बार में कोई पार कर ही ना पाए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग दो बार तो गिर चुके हैं, मैं तो तीसरी बार नहीं गिरना यार, क्योंकि यार सच में बहुत लॉन्ग है और हार्ड है इतनी, तो पार करने में एकदम बहुत मेहनत चली जाती है, और सच में इतनी कठिन है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं इस बार नहीं गिरूंगा और मैं इसको सही सलामत पार कर लूंगा, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है और आगे का मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को जंप करना है या धीरे धीरे ले जाना है। खैर कोई बात नहीं, कंटेनर आ चुके हैं और कंटेनर को बस मैं पार कर ही लूंगा, और ये मेरा आखिरी कंटेनर था, ये हो चुका है पार, हम लोग आ चुके हैं इस घर के अरे यार अंदर आने से पहले मेरी बाइक अटक चुकी है। भाई निकल, आगे पीछे कहीं जा ही नहीं रहे, छोड़ो यार मैं बाइक यहीं छोड़ के आगे की तरफ जाता हूँ। और फाइनली मैं इस घर के अंदर एंटर कर चुका हूँ। खैर हमारी एंट्री थोड़ी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फाइनली हम लोग जो मेगा रैम थी ना इसको हम लोग ने पार कर लिया है। तो ये आज की मेगा रैम दोस्तों आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और इसकी लिंक अगर दोस्तों आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स करवा दीजिए, मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में प्रोवाइड करवा लूँगा। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल।